भाभी की झाड़ू भूल गई। ठाकुर जी काले पड़ गए थे, माँ ने उनका साफ कर दिया तो क्या बुरा किया। रो मत, इन्हें मेरी गागर में रख दे, घर में थोड़ी देर इधर उधर घूम के बता देंगे। राधा अपनी चिट्ठी लेते जाइए, घर जाके देने से पांव टूटते हैं। गोपाल भैया किसकी है? श्रीमान जमुना प्रसाद जी चतुर्वेदी, कल सुबह किरण आपके यहाँ पहुँच जाएगा, उसे लड़की दिखा देना। हाँ ये बात है। उम्मीद है आपको लड़का पसंद आएगा। चलो छुट्टी हुई, शिवपुर में एक दामाद बढ़ गया। मगर एक कुंवारी घट गई। क्यों जलती है केसर? रहने दे अपनी ममता, चल हट, कल से तेरे साथ आगे वो। ये तो हम भी जानते हैं, कल वो आएंगे, वो तुम्हें देखेंगे, तुम उन्हें निहारोगी, हमारा पनघट सुना। हमारा पनघट सुना रहे प्यासा कोई पंछी, तेरे पनघट पे क्यों जालिम, छुपाए तीर और तलवार इस घूरट में क्यों जालिम, इशारे किस लिए करती हो तुम नीची निगाहों से, दिलानी है सदा क्या हमको अपने इन गवाहों से।
जरा 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 कर दो नसीहत अपनी इस भोली जवानी को, उसे क्यों आग मिलती है कि जो आता है पानी को। दौलत? ओ दौलत। जी हजूर। किरण क्या गड़बड़ कर रहा है, देखता नहीं? हिसाब किताब में चूक गया तो? हजूर छोटे मालिक नाटक का रिहर्सल कर रहे हैं। नाटक? उसे मालूम नहीं कि आज ही उसे शिवपुर जाना है, मैंने खत भी लिख दिया है। शिवपुर दीपचंद जी के यहाँ? हाँ नहीं, जमुना प्रसाद जी के यहाँ। वो उसे देखना चाहते हैं, उनकी बहन से सगाई की बातचीत चलती है ना। कुछ मालूम नहीं, घर में रहता है या जंगल में? जंगली। सब मालूम है मालिक, किरण बाबू उनके दामाद बन के जाएंगे। दामाद नहीं, उम्मीदवार। उसे कुछ कहना मत, अरबी घोड़ा है भड़क जाएगा। जरा ठंडा नीर पिला प्यारी, ओ पनहारी ओ मतवाली, तू ले ले दुआ फकीरों की, तेरी राम करेगा रखवाली। गर नसीबों से सुनाई हो मेरी फरियाद की, क्या हकीकत है यहाँ फिर कैस और फरहाद की। बेजबानी ही अगर कह दे कि हाँ है आपकी, फिर मुझे परवाह नहीं है खास अपने बाप की। शाबाश बेटे शाबाश, बाप का नाम रोशन कर रहे हो। करो करो, इस मकान को बनाओ थिएटर, तुम नाचो और मैं बजाऊं तबला। उल्लू के पट्टे ये क्या कर रहा है? बाबूजी हमारे क्लब में आज रात को नाटक होने वाला है ना, उसका रिहर्सल। रिहर्सल? चूल्हे में गया तेरा नाटक? स्कूल कॉलेज में हम लोग अपने लड़के लड़कियों को क्या इसलिए भेजते होंगे कि वो वहां जाकर लैला मजनू बन जाए? मगर बाबूजी हम तो शहर में सस्ते अनाज की दुकान खुलवाने के लिए नाटक कर रहे हैं। याने बाप के लिए धर्म कर रहा है। देख किरण, जब तक तू कामकाज के लायक न था पढ़ाया, अब क्या है ऊंट हो गया और अब तक कुमारा डोल रहा है। हाँ आज तुझे शिवपुर जाना होगा, ले चिट्ठी, जमुना प्रसाद जी के यहाँ ठहरना, दीपचंद जी का हिसाब ले आना, 527 रुपए 3 आने, जल्दी जाना। हाँ लेकिन ठहरना जमुना प्रसाद चतुर्वेदी के यहाँ। हाँ जाओ। दूर चला चल तू कहीं दूर चला चल, दूर चला चल तू कहीं दूर चला चल, मतलब दुनिया से कहीं दूर चला चल, स्वार्थी दुनिया से कहीं दूर चला चल। दूर चला चल तू कहीं दूर चला चल, दूर चला चल तू कहीं दूर चला चल, मतलब दुनिया से कहीं दूर चला चल, प्यार की दुनिया से कहीं दूर चला चल। दूर चला चल तू कहीं दूर चला चल, मतलब दुनिया से कहीं दूर चला चल, जहाँ प्यार हो इकरार हो इनकार नहीं हो, सच्ची हो मोहब्बत जहाँ तकरार नहीं हो, दिल से मिलाता तो दिल के तार चला चल, दिल से मिलाता तो दिल के तार चला चल, तो दिल के तार चला चल, तो दिल के तार चला चल। दूर चला चल दूर चला चल तो कहीं दूर चला चल, मतलब दुनिया से कहीं दूर चला चल, बाहर की दुनिया से कहीं दूर चला चल। जमुना का किनारा हो हम चांद मिलाते हैं, जमुना का किनारा हो और चांद मिलाते हैं, चांद मिलाते हैं वहाँ प्यार की बातें, चांद मिलाते हैं वहाँ प्यार की बातें, प्रेम की नैया को लिए पार चला चल, प्रेम की नैया को लिए पार चला चल, तुलिए पार चला चल, तुलिए पार चला चल। दूर चला चल दूर चला चल तू कहीं दूर चला चल, मतलब दुनिया से कहीं दूर चला चल, प्यार की दुनिया से कहीं दूर चला चल।
मेरे बंध मेरे दिल नितिया याद तुम्हारे हर बंध मेरे दिल नितिया याद तुम्हारे भूलन जाना ये मुलाकात हमारी भूलन जाना ये मुलाकात हमारी प्रेम के बंधन के बना हार चला चल प्रेम के बंधन के बना हार चला चल तो बना हार चला चल तो बना हार चला चल दूर चला चल दूर चला चल तो कहीं दूर चला चल मतलब दुनिया से कहीं दूर चला चल हार के दुनिया से कहीं दूर चला चल शुक्रिया शुक्रिया अबे शुक्रिया ये तालियां तो हमारी हैं गाने पर मेरा गाना तूने क्यों गाया तेरे लिए हम मक्खियां मारते बैठे रहे लेकिन थोड़ी देर इंतजार तो करना था नौजवानी किसी का इंतजार नहीं करती बुढ़ापे का इंतजार नहीं अंदेशा कौन सी जवानी है जिस पर बुढ़ापे का मनहूसा न गिरता हो अरे मियां तुम तो उनमें से हो जो मौत से पहले ही मरते हैं मोहब्बत की मौत मरते सबको देखा मगर जनाजा एक कभी न निकला मोहन बाबू आपने ये पनघट ड्रामा क्या लिखा हम सबको अपना गुलाम बना लिया शुक्रिया शुक्रिया अबे शुक्रिया मैं तेरी तारीफ नहीं कर रहा हूँ शुक्रिया शुक्रिया तुझे याद किसने दिया कि तू रात दिन हम पर अपनी शायरी के दम गिराता रहे न काम की बात न कुछ जब देखो जब शायरी बुढ़ापा इंतजार मोहब्बत जवानी जब मैं पाठ नहीं करता ये क्या गजापन है पाठ नहीं करेगा टिकटे तक तो बिक चुके हैं रात को ड्रामा है और ये तीसमार खां पाठ नहीं करेगा चलकर रिहर्सल जरा कर दो नसीहत अपनी इस बोली जवानी को उसे क्यों आग मिलती है कि जो आता है पानी को चल बोल बोल कर चुका रिहर्सल मुझे तो अभी शिवपुर जाना होगा बाबूजी ने सब काम सत्यानाश कर दिया अब रात को ड्रामा कैसे होगा है? ये तूने बहुत बुरी खबर सुनाई अब ड्रामा कैसे होगा तू बंदा हीरो नहीं नहीं इन्हें तुम्हारा पार्ट याद नहीं होगा बस 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 मैं समझ गया तुम घबराओ मत ज्योति देवी मैं तुम्हारा हीरो नहीं बनूंगा तुम्हारे लिए तो किरण एक खास रजिस्टर हीरो है हाँ तो फिर यही तय रहा कि किरण तो अपना पार्ट करे और किरण के बदले मोहन बाबू चले जाए शुभ यार कभी आज चाय कहाँ है तुम्हारी लोने भाई तैयार है ना ओहो आप तो खाम खा कर मार रही है लीजिए लीजिए अभी बिस्कुट कौन लेगा लो किसमें कोई बात नहीं है अंदर शर्माने की बात है घर है अपना हाँ लेकिन न मैं वहाँ किसी को जानता हूँ न कोई मुझे ओहो यार तो फिर मुझे भी वहाँ कौन जानता है दो चार घंटे के लिए तू ही किरण कुमार बन जा देख मैं बताता हूँ दीप चंद जी के यहाँ से रुपए लाने हैं जमुना प्रसाद चतुर्वेदी के वहाँ ठहरना है और ले जा मेरी साइकिल कुल 10-11 मील तो है ही अपने ड्रामे के वक्त तक बड़े मजे से वापस भी आ सकता है तू जा ये लेकर के देख मैं देता हूँ अच्छा भाई दोस्त का काम तो करना ही पड़ेगा थैंक यू मेंशन नॉट यार अब तू नखरे क्या करता है जा भी अच्छा मैं चलता हूँ चलता हूँ जिनाब ससुराल चलो चलो जल्दी करो चलो विश यू बेस्ट ऑफ लक गलत सुना था कि गांव वाले शरीफ होते हैं तुम कौन हो
हमारी शराफत पे छींटे उड़ाने वाले। मैं कीचड़ में गिर गया तो तुम लोगों को हंसी आ रही है? तो आपकी रोनी सूरत देखकर हम भी रोना शुरू कर दें? थोड़ा पानी लाओ। आपके नौकर ने आपका हुक्म सुना नहीं, बहरा मालूम होता है। मैं तुमसे कह रहा हूँ, जरा पानी लाओ। लीजिए। भाई मर्द आदमी पानी खींचता बुरा लगेगा, ईश्वर के लिए एक बाल्टी इधर डालो। कुआं गहरा है, हम लोग थक गए। हाँ एक उपाय है, घर जाके धो लेना। यही तो मुसीबत है, यहाँ मेरा घर नहीं, मैं मेहमान बनकर आया हूँ। तो क्या हुआ, कीचड़ देखकर कोई तुम्हें निकालना देगा? तो मैं इसी तरह जाऊँ, कह दो क्या हर्ज है, बनाओ सिंगार का औरतों ने ही ठेका ले रखा है। क्यों, जेवर औरतों को, कपड़ा औरतों को, मिठाई औरतों को, गजरा तंगी दर्पण सुरमा साबुन तेल इत्र खाक पत्थर सब कुछ औरतों को, मर्द ऊपर से पड़े हैं, उन्हें कुछ न चाहिए। कलेजा मसलने लगे, सर्दी की रातों को सवेरे सवेरे कौन उठे, औरत मर्द नहीं, पांच मन की चक्की कौन पीसे, औरत मर्द नहीं, भरी दोपहरी पंघट पर पानी कौन भरे, औरत गाय भैंस लीपना पोतना कौन करे, औरत रात को बिस्तर कौन करे, औरत सुबह बिस्तर कौन उठाए, औरत मर्द नहीं, वो तो सिर्फ औरतों को डांटने के लिए पैदा हुए हैं। जा अपना रास्ता लो। चलो हटो। क्या कर रहे हो? उम्मीद तो नहीं, लेकिन तुम्हारे कलेजे में पत्थर न हो तो जरा मदद करो, मुसाफिर हूँ, फंस गया हूँ। लाओ मैं बाल्टी खींच के देती हूँ। लंका में विभीषण मिला तो सही। चतुर्वेदी जी मना करते हैं कि इनके कुएं पर हर एक पानी ना भरे, तुम लोग हमारा पानी भी बंद कराओगी। बंसरी बहन तालाब सूख गया तब तो यहाँ इतनी दूर आना पड़ता है, और मंदिर वाले कुओं में तो पानी ही नहीं, और कस्तूर चंद जी के कुओं में बदबू आती है, उसे तो गाय भैंस भी नहीं पीती, अब तुम कहो तो करे। मैं क्या कहती, कुआ मेरा थोड़ा ही है, जमुना प्रसाद जी को तुम नहीं पहचानती, बड़े तीखे स्वभाव के हैं। ये कुआं उन्हीं का है? हाँ वो पत्थर जड़ा हुआ है, वो कुछ शक्ति करे तो मुझे दोष ना देना कि कुछ कहा नहीं। आज आज तो भर लेने दो। बड़ी तकलीफ है यहाँ पानी की, इस पर आप जैसे कीचड़ लपेट कर चले आते हैं, दीवाले में दीवाला। मैं कर्ज अदा कर दूंगा। द्रौपदी ने एक चिंदी से भगवान की उंगली बांधी थी तो उन्होंने लाखों चीर दे दिए, मैंने एक बाल्टी पानी दिया है तुम क्या दोगे? मैं इस गांव में कुआं करा दूंगा। तुम लखपति हो? करोड़पति। जमुना प्रसाद चतुर्वेदी का मकान बता सकती हो? हाँ बहुत नजदीक है, यहाँ से बाई तरफ मुड़कर सीधे चले जाना, वहाँ लाल हवेली के दाई तरफ घूमकर पश्चिम को जाके पूरब चले जाना, सामने पीपल का पेड़ है, उससे दक्षिण मुड़कर उत्तर होते हुए लोहार मोहल्ला के पास हनुमान जी का मंदिर है। बस 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 बस, मैं हनुमान जी से ही पूछ लूंगा।
सिर फोड़ कर रहे। मैं पूछती हूँ तुम हो कौन मेरे पीछे पड़ने वाले? इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। साइकिल को न जाने क्या स्वाद आ रहा है, बस खींच चली जाती है। रबर के पहिए को फिसलते क्या देर। तुम्हारे पाँव तो रबड़ के नहीं है, तुम जानबूझ के मुझसे उलझना चाहते हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो सुलझना चाहता हूँ। इतनी गर्म क्यों होती हो? मटकी फूटी है, माथा तो नहीं फूटा? ये अरमान भी निकाल लो, पहिए फिसले, पाँव फिसले, अब हाथ भी फिसलने दो। राम राम चतुर्वेदी जी। राम राम। ओहो दीपचंद जी, क्या ले आए सुबह सुबह? लड़के की शादी के लड्डू। रख दो। थाली नहीं है, भाभी को दे दूंगा। ज्ञानी मालिक, रानी छाप के रुपए मिले उतने वसूल किया करो, सच्ची चांदी है। सरकार की तरफ से इनका चलन तो बंद हो गया ना? ऐसे तो सब चलता है, लोग हमें 15 आने में रानी छाप रुपया दे जाते हैं, उसके हमें सरकारी बैंक में 16 आने मिल जाते हैं। आज के जमाने में रुपए में एक आना नफा हो जाए फिर क्या चाहिए। मालिक बड़े चालाक हैं, लड़ाई में भर्ती हो जाते तो अब तक। चुप चुप, लड़ाई की बात करना गुनाह है। जाओ बाजार से साग भाजी ले आओ। बाबा बाबा मैं भी चलूंगी। लेकिन भाभी लड्डू तो घी के बने हैं, ले लो, बच्चे का शगुन अशगुन भी तो देखो। बच्चा जिए लाख बरस, लेकिन हम अपना धर्म नहीं छोड़ सकते। हमारे यहाँ तो छींक आने पर भी स्नान करना पड़ता है भैया। ले जाओ ले जाओ। बनिए के लड्डू रखूं। हरे राम हरे राम। चल दिए। भाभी ने लड्डू नहीं रखे, छुआछूत। यहां रख दो। मगर ऐसे तो सब कुछ चलता है, राधा खा लेगी। राम 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 राम। ब्राह्मण की गोद में चमड़ी, वो भी लड्डू खाते वक्त। मटकी कहाँ ननद रानी? फूट गई। भाभी ये शहर वाले बड़े गवार होते हैं, मैं आ रही थी धम से मेरे ऊपर साइकिल चढ़ा दी। कौन था कल हुआ, दो आने की मटकी का सत्यानाश कर डाला। तुम तो मटकी को रोती हो, मेरा माथा फूट जाता। अरे छी छी छी, पहले स्नान करो, जाने कौन जात से टकरा कर आई हो। राम राम राम। ये भी कोई लड्डू है, पूरा मुंह भी नहीं भरता। जमुना प्रसाद चतुर्वेदी जी यहीं रहते हैं क्या? और अब कौन है कौन है? आ जाओ आ जाओ। नमस्ते। जीते रहो गंगा प्रसाद जी। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। आओ बैठो बैठो। सब मजे में तो है?
ये क्या हुआ? गांव वाले बड़े गंवार होते हैं। मैं आ रहा था, धम से मेरी साइकिल पर छोकरी आ गिरी। छोकरी? जी हाँ। मैंने सोचा था शाम को लौट जाऊंगा, दूसरे कपड़े भी नहीं लाया। अरे तो यहाँ कपड़ों की क्या कमी है? ए, ए, राधा, ए, ए राधा, जरा एक नई धोती तो ले आना, जरा जल्दी। शहर की लड़कियां तो मर्दों की तरफ सीधी नजर से देख भी नहीं सकती, और ये देहात में परमात्मा खैर करे, और वो मटकी वाली तो कोई गजब की बला थी, पंगर से मेरे पीछे पड़ी। मैं गलियों में गायब होता रहा, वो सामने मिलती रही, साइकिल से ज्यादा दौड़ती थी। मैं गिरा तो माफी मांगने के बदले ही करके हंसने लगी। आज तो दिन ही कुछ ऐसा है। राधा के साथ भी कोई अंधा साइकिल वाला टकरा गया, मैं होती तो मुझे के गाल लाल कर देती। खैर इन्हें ऊपर के कमरे में ठहरा दो। ज्ञानी, वो तो साग भाजी लाने गया है ना? जी मैं चला जाऊंगा, वही कमरा है ना? साइकिल रहने दो, कोई डर नहीं। क्यों, कैसे हैं नंदोई? असल सोना है, मेरी 10 नंदे होती तो सब की सब इन्हें दे देती। तुम लोग कितनी बहनें थी, मुझे तो एक ही मिली। ये भी नसीब समझो, मैंने तो जब तुम सेहरा बांध कर आए थे तभी देख लिया था कि इन तिलों में तेल नहीं। तेल नहीं तो फिर ये चिराग जलता कैसे है? इनके प्रताप से। सुनो सुनो, राधा को क्या? हाँ हाँ, राधा, ज्ञानी अब तक भाजी लेकर नहीं आया, जरा ऊपर से अचार चटनी तो ले आओ। तुम्हारे पैरों में मेहंदी लगी है भाभी। लो, टकासा जवाब दे दिया। मैं ऊपर जाऊंगी अचार चटनी लाने, तो स्नान नहीं करना पड़ेगा, मुझे भी रोटी करनी है। जा ले आ, जा। ओ, पंडित वाली? नहीं, गले पड़ने वाली। यहाँ की लड़कियां तो पराए मर्दों के पीछे पड़ जाती हैं। मर्द गलियों में गायब होते रहे, फिर भी वो सामने मिल जाती हैं। साइकिल से ज्यादा दौड़ती है, ही करके हंसती है। माफ कर दीजिए, मुझे मालूम न था कि मुझे आप ही के घर में आना पड़ेगा। राम राम, ये मेरा घर नहीं है। तो मेरा घर तो इन चरणों में। हाँ हाँ हाँ। और जहां ये चरण जाएंगे वही ये नैन फूल बिछाएंगे। आप ऐसा मजाक न कीजिए जो किसी कुंवारी के कुंवारपन को शोभा न दे। अभी आपकी मांग को किसी के सिंदूर के इंतजार है। राम राम, आप मुझे कुंवारी समझते हैं? नहीं नहीं, आप सुहागन हैं, अखंड सौभाग्यवती रहें, लेकिन एक परदेशी के पास। परदेशी? ससुराल में आकर आप भी मजाक करने लगे? मेरी ससुराल? ये और मेरी ससुराल, बताइए क्या नाम है मेरी ससुराल का? ससुर जी का स्वभाव कैसा है? सास जी मुझे 10 मन की चक्की पर बिठा देंगी तो मेरा क्या हाल होगा? छोटी ननंदिया को जाते ही उसके ससुराल भेज दूंगी। आप रात को 12-12 बजे तक गांव में न भटक सकेंगे। अंधेरी रातें होंगी और मैं अकेली रहूंगी, ऐसी भी क्या नहीं ठुराई। आपके घर में जितनी लड़कियों की शादी हुई सबके इसी तरह स्वयंवर हुए? पनघट पे आपको पहचान लेती
तो कभी प्यासा आने दीदी? आप कीचड़ में पड़े तब मैं अपने केसरी ओढ़नी से आपके कपड़े पोंछती। ओह, मैंने अपने परमात्मा को कीचड़ में फिसलते देखा। लीजिए, पान खा लीजिए। माफ कीजिए, इसमें तंबाकू नहीं है? उसके बगैर ही चक्कर आ रहे हैं। हाँ, यहाँ वो दीपचंद जी की। हाँ, उसकी लड़की को कल ही उसका पति आकर लिवा ले गया। कल उसकी बारी थी, अब मेरी। बेटी पराया धन है ही, आप जैसे अलबेले आते हैं और उठा ले जाते हैं। मैं आपके पांव पड़ता हूँ, आप मुझसे ऐसा मजाक। राम राम, आप एक आर्य नारी को पाप में गिरा रहे हैं। मैं तो आपको पाप से बचा रहा हूँ। मुझे आप कहते हैं, क्या इससे मेरे कलेजे के टुकड़े नहीं हो रहे हैं? आप क्या जाने कि आर्य नारी की भावना क्या है? यदि आपको परमात्मा के दर्शन करने हो तो मेरी आंखों में आंखें डालकर देखिए, साक्षात परमात्मा नजर आएंगे। ओह, यहाँ हवा एकदम बंद हो रही है। आ, ससुराल की हवा है, धीरे धीरे आएगी। राधा, आई भाभी। अभी तो जाती हूँ। अलबेला, आर्य नारी, मुझे पाप में न गिराइए। ससुराल की हवा, ओह, राधा अब तक ऊपर क्या कर रही है? अरे अभी तो गई है। मेरा सर, तुम मेरी अक्कल मार देते हो। कुआरी लड़की को ऊपर भेज दिया। चलता है, सब कुछ चलता है, जमाना बदल रहा है। आदमी दो पैसे की हांडी लेता है ना, तो ठोक बजाकर परख लेता है। और फिर तुम जानो, ये तो जीवन मरण का रिश्ता है। एक दूसरे को देख लें, परख लें, चलो छुट्टी हुई, कोई शिकायत नहीं। भाई, अंग्रेजों का ये रिवाज तो हमें पसंद आया। तुम्हें दुनिया में मेरे सिवा नापसंद क्या है, ये तो बताओ। खैर, ऊपर गए भी तो देखने भालने में 10-10 घंटे लगते हैं। तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है और अक्ल घटती जा रही है। अच्छी निशानी है, बुढ़ापे में अकल का बोझ कौन लादे फिरे। वाह, क्या लपट आ रही है। ये लड्डू लाए हैं। कौन लाए हैं? अरे, ये तो दीपचंद के लड्डू हैं। रख लिए ना, मरे जाती हो मीठे पर, चाहे बनिए का हो चाहे भंगी का। मेरा धर्म कर्म कैसे बचेगा तुम्हारे साथ? मैं अब तक यही ताज्जुब कर रहा था, ये लड्डू आए कहां से। दीपचंद भी अजब जिद्दी है। मैं ना ना चिल्लाता रहा मगर चुपचाप कहीं धर गया। तुम्हारे देखते। राधा, फेंक देने बाहर। एक पवित्र ब्राह्मण के घर में बनिए के लड्डू, हटा हटा फेंक, हटा इन्हें मेरे सामने से। और ये पापड़ वापड़ भी फेंक देना, सब भ्रष्ट हो गए हैं। ठीक ठीक। Thank you.
चतुर्वेदी दादा हम रह गए थोड़े लड्डू और फेंको दादा माय बाप सरकार रह गए तो मैं क्या करूं पहले क्यों नहीं मरे सुबह से सवा मन लड्डू बच चुके और तेरी आबां खुली हा? बड़े बूढ़ों का पुण्य प्रताप है रोज सुबह आपकी दया से सवा मन लड्डू भिखारियों को बटते हैं और आज से नहीं सात पीढ़ियों से ये सदा बरत चला रहा है बड़े धर्मात्मा हैं आप भैया बस यही तो एक कमाई है जो साथ जाएगी वरना होने को तो बंगले बाड़ी जमीन जायदाद मंदिर धर्मशाला सभी कुछ है गांव का कुआं भी अपना है नाम लिखा हुआ है चतुर्वेदी जी वो बंसरी हमें रोकने वाली कौन होती है आज बरसों से हम आपके कुएं का पानी पी रहे हैं और वो कहती है कि पानी ना भरो पानी नहीं भरेंगे तो क्या प्यासे मरेंगे गांव के तमाम कुएं सूख गए सिर्फ इसीलिए पानी है यही तो बड़ों का पुण्य प्रताप है और तुम लोग इसका भी पानी सुखा लेना चाहती हो जाओ यहाँ से और आज से कोई भी मेरे कुएं पर पानी भरने ना आए ये क्या कहते हो चतुर्वेदी जी हम लोग पियेंगे क्या मैं क्या जानू जाओ चतुर्वेदी जी आप देवता हैं आपके यहाँ तो रोज सवा मन लड्डू बटते हैं फिर पानी के लिए किसी की आत्मा दुखाना आप जैसे धर्मात्मा का काम नहीं अच्छा अच्छा जाओ भर लो मगर दस दस मटके मत भरना एक माथा एक घड़ा चतुर्वेदी जी देवता है आपने सचमुच समझ लिया होगा कि मैं पानी के लिए इनकार कर रहा हूँ बात ये है कि इतनी धमकी दिए बगैर ये लोग वहाँ धोबी घाट लगा देते हैं और फजूल कीचड़ करते हैं जी हाँ पनघट पर सबसे बुरी बात है कीचड़ आप भी तो कह रहा हूँ हाँ मैं जरा दीपचंद जी के यहाँ हो आता वाह खाना खाने से पहले ही इतनी जल्दी क्या है खाना खा पी कर आराम कीजिए और शाम को चार पांच बजे चले जाइए यहाँ करीब ही तो है वो पनघट के पीछे रास्ते पर खैर शाम को चार बजे जाऊंगा चार बजे नहीं पांच बजे नए टाइम की वजह से चार बजे तो तीन ही बजे होंगे सूरज सर पर तपेगा ये अच्छी याद दिलाई इस नए टाइम ने तो परेशान कर दिया गर्मी के लंबे दिनों में सूरज होते हुए भी घड़ी कहेगी रात पड़ गई अंधेरा हो गया लड़ाई का जमाना है सब चलता है अरे खाना तैयार होगा दो बज गए सजन मेरा प्यारा गुलाब का फूल बलम मेरा प्यारा गुलाब का फूल मारू कली मतवाली लिया कतवाली नजा कतवाली सजन मेरा प्यारा गुलाब का फूल बलम मेरा प्यारा गुलाब का फूल मैं बागों में फूली रे मैं डालों पे झूली रे मैं बागों में फूली रे मैं डालों पे झूली रे मैं कदम आके भूली मैं कदम आके भूली सजन मेरा हाँ बलम मेरा हाँ सजन मेरा प्यारा गुलाब का फूल बलम मेरा प्यारा गुलाब का फूल मैं कली मतवाली लिया कतवाली नजा कतवाली सजन मेरा प्यारा गुलाब का फूल बलम मेरा प्यारा गुलाब का फूल मैं
में मगन हो पुली, मैं मन में मगन हो पुली, सजन मेरा हा बलम मेरा हा, सजन मेरा प्यारा गुलाब का फूल, बलम मेरा प्यारा गुलाब का फूल, सजन मेरा प्यारा गुलाब का फूल, बलम मेरा प्यारा गुलाब का फूल। आप यहाँ क्यों आए? प्यास बुझाने। अच्छा, तो आपको प्यास लगी है? सुबह कीचड़ लगा था, अब प्यास लग गई और फिर इस पंजर पे चले आए। और नसीब देखिए, पनिहारी भी वही मिली। मुझे ऐसा मालूम हो रहा है जैसे जैसे हम लोगों की कोई पुरानी पहचान है। ये आप किसके दिल की बातें कर रहे हैं? अपने दिल की। हाँ, आपको दूसरों की क्या पड़ी, पराया सो पराया। रुपये वसूल करने आया था और सब कुछ लुटा चला। कहीं हम पर इल्जाम ना आ जाए, यहाँ तो कुछ दिया है लिया नहीं। हाँ, हम इस लायक कहाँ के हमें कोई कबूल करे। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये न था। आप तो ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहाँ से लौटना मुश्किल होगा। ऐसा न कीजिएगा, शाम को मुझे वहाँ पहुँचना है। आज रात को हमारा ड्रामा होगा पनघट। ड्रामा होता रहेगा, मैं आपको दो चार रोज न जाने दूंगी। आपके साथ दो चार रोज दो मिनट में बीत जाएंगे, फिर कभी तो जाना ही होगा। मैं तो इस जन्म में क्या, जन्म जन्म तक न जाने दूंगी। मैं वापस लौटाऊंगा। आज पंगड़ पर दूसरा कोई आता ही नहीं, क्या बात है, कहीं ग्रहण तो नहीं लग गया? यहाँ तो लग गया साइकिल ग्रहण। हाँ, मुझे वो गाना तो लिख कर दीजिए, मैं अपने दूसरे नाटक पनिहारी में रखूंगा। और पनिहारी कौन बनेगी? जो पंगड़ का गाना गा सके। लो सब आ गई। अच्छा पनिहारी, प्यास बुझाने आए थे, बढ़ा के चले। चल तू लगा दाव चला चल, दूर चला चल।
दूर चला चल, कहीं दूर चला चल, मतलब की दुनिया से कहीं दूर चला चल, प्यार की दुनिया से कहीं दूर चला चल। सूर्यवंशी,
12 बज गए, उठ। अभी सच्चे तो 9 बजे हैं, 12 का बज गए। अबे उठ, शिवपुर के समाचार? हाँ सब मजे में है। अरे दीपचंद जी ने रुपए दे दिए हैं? तो हाँ जी हाँ, है 527 के बदले 1100। बाबूजी उन्होंने 600 रुपए का घासलेट मंगाया है। घासलेट मिलता कहाँ है घासलेट? खैर ठहरा कहाँ था? जमुना प्रसाद जी के यहाँ ना? आदमी कैसे हैं? मोटे तगड़े, बड़े शरीफ हैं और बड़े वो। तेरी खातिर वासी? हाँ कोई कसर नहीं रखी। सुबह दूध पिलाया, दोपहर को रसगुल्ले, शाम को खीर मालपुए। सुना है उनकी बहन भी है? नहीं बहन वहन तो कोई नहीं। अरे गधे, बहन कैसे नहीं है? हाँ कोई लड़की घूम रही थी, बहन ही होगी, कहते थे उसकी परसाल शादी हुई थी। तेरा सर, वो बहन ही है और कुंवारी भी है। बाबूजी मेरी बात आप समझा कीजिए, कुंवारी तो उससे छोटी है। हाँ हाँ उसी की तो बात कर रहा हूँ, वो कैसी है? बड़ी खूबसूरत, बड़ी चंचल। तो फिर नमस्ते चाचा जी। जीते रहो। मोहन तू तो कवि कालिदास हो गया, लेकिन इसे क्यों कमाने खाने से खोता है? ये नाटक बाटक करता फिरेगा तो मेरा घर कौन संभालेगा? चाचा जी जब तक पिता का साया सर पर रहता है तब तक लड़के में अकल नहीं आती। यानी इसे अकलमंद बनाने के लिए मुझे मरना पड़ेगा? इसके हाथ तो पीले करने देगा या पहले ही राम बुलाएगा? मेरे चाचा जी जुग जुग। तूने मुझे शिवपुर के समाचार क्यों नहीं बताया? तूने पूछा क्यों नहीं? और तूने दीपचंद वाले रुपए भी नहीं दिए क्यों? तेरी बेवकूफी से बाबूजी को ड्रामे के सारे रुपए देने पड़े। अच्छा खैर वो तो कहीं नहीं जाते, आखिर उन्होंने पूछा क्या? उन्होंने पूछना शुरू किया जमुना प्रसाद जी कैसे आदमी हैं, उनकी बहन कैसी है। मैंने भी ठोकम ठाक शुरू कर दी। हाँ यार उनकी कोई बहन है भी या नहीं है? अरे यार है और खूब है, तब तो अंधेरे का तीर निशाने पर लगा। लड़की क्या है, चांद का टुकड़ा, चंद्र किरण। बीमार हुआ है ये कैसा पंगट? मेरा पंगट, मेरी पनिहारी तो आखिर बात क्या है? पनघट पर पानी भरने आई थी गाँव की छोरी, पनघट पर पानी भरने आई थी गाँव की छोरी, चंचल चाल चले मतवाली, चंचल चाल चले मतवाली, देखन में तिभोरी, पनघट पर पानी भरने आई थी गाँव की छोरी, आई गाँव की छोरी। एक दिन वाके पन घट पर कोई आया, एक दिन वाके पन घट पर कोई आया, उस गोरी ने उसको जीवन साथी ठहराया। यानी तुमको? उस गोरी ने उसको ही जीवन साथी ठहराया।
मन ही मन मुस्काए, मन ही मन मुस्काए, वो तो नैन झुकाए गोरी, झुकाए गोरी, मन घट पर पानी भरने आई थी गाँव की छोरी, आई थी गाँव की छोरी। कुछ भरम खुला कुछ शरम खुली, कुछ पवन चला हंस कली खिली, डाली से भंवरा मिला, डाली से भंवरा मिला, प्रेम ने करी वहाँ बड़ी जोड़ी, प्रेम ने करी वहाँ बड़ी जोड़ी, मन घट कर पानी भरने आई थी गाँव की छोरी, आई थी गाँव की छोरी। मुझे वो गाना तो लिख के दीजिए, मैं अपने दूसरे नाटक पनिहरी में रखूंगा। पनघट के प्रिय, पनघट के प्रीतम, राधा, ओ राधा, अरे क्या सब सो गए? घर आती हो? अरे तो आओ ना, दरवाजा खोलो। ये क्या करती है? ठंडी रात और ठंडा पानी। चलता है, सब कुछ चलता है। मालूम नहीं आज ग्रहण है, स्नान के बगैर घर में आओगे? चल चल सूखी धोती ला, आग जला, मेरी हड्डियां सुकड़ कर एक हो जाएंगी, नहीं तो रोएगी अपने सुहाग को। आज ग्रहण के दिन भी घर में नहीं रहे, कहाँ गए थे भटकने? ज्योतिषी जी को राधा की जन्म कुंडली दिखाने गया था, नवग्रह देखने में देर नहीं लगती। राधा को वो पसंद आए? इसमें उससे क्या पूछना, तुम्हारे लिए मुझे पूछा था किसी ने? मेरी बात अलग थी, उन दिनों मुस्सा पट्टा हजार हजार कोस में नहीं मिलता था, देख अभी तक ब्रह्म तेज कायम है। रहने दो, ब्रह्म तेज वाले तो जबान से ही बेटा बेटी दे दिया करते थे, 15-15 बरस बीत गए शादी किए, मगर घर में थाली न बजी। भूत बनकर भटकोगे भूत। अरे राधा का ब्याह करके हम दोनों काशी में डूब मरेंगे, भूत के बदले भगवान शंकर के दूत बन जाएंगे। हाँ तो मैं कल लिख दूँ उन लोगों को, शादी पक्की है।
लिख दो। बधाई महाराज, आज शिवपुर से पत्र आया है, किरण सबको पसंद है और किरण भी लड़की को पसंद कर आया है। कैसे नहीं करता? किरण राधा, शनि शुभ है, पंचमी को श्रेष्ठ मुहूर्त है, यही श्री कुब्जा के सप्तम स्थान में पड़ा था। वरना नो, वर राजा भी हाजिर है। कहाँ है बाबूजी? इस घर में और कौन वर राजा है? तू घर बार लड़की वगैरह सब पसंद करके आया है ना, पंचमी को शादी है। किसकी? तेरे बाप की। पूछता है किसकी शादी की उम्र किसकी है, तेरी या मेरी? किसके साथ होगी मेरी शादी? जहां तू माल मली देखा कर आया है, शिवपुर वाले जमुना प्रसाद चतुर्वेदी की बहन से। सुना, समझा? बाबूजी, मैं अब नखरे मत कर मेरे लाल। बाबूजी, मैं साफ कह देता हूँ कि मुझे ये शादी मंजूर नहीं। बेटे, मैं साफ कह देता हूँ, पंचमी को शिवपुर वाले चतुर्वेदी की बहन राधा से तेरी शादी होगी और जरूर होगी। हर घर में लक्ष्मी आएगी। ओ छड़ा, राधा, शिवपुर। पनघट के घायलों का पनघट ही है ठिकाना, पनघट के घायलों का पनघट ही है ठिकाना। फरहाद कैसे गुजरे, फरहाद कैसे गुजरे, अपना है अब जमाना। फरहाद कैसे गुजरे, अपना है अब जमाना। खाना तो उनकी गालियां, रहना तो उनकी गलियां, खाना तो उनकी गालियां, रहना तो उनकी गलियां, सोना तो ख्वाब उनके, सोना तो ख्वाब उनके, गाना तो उनका गाना, सोना तो ख्वाब उनके, गाना तो उनका गाना। फरहाद कैसे गुजरे, अपना है अब जमाना। ऐ नल क्यों रो रहा है, ऐ नल क्यों रो रहा है, किस से लड़ा लिया आँखें, या तू भी चाहता है पनघट से दिल लगाना। ऐ नल क्यों रो रहा है, किस से लड़ा लिया आँखें, या तू भी चाहता है पनघट से दिल लगाना। बेकार है समंदर, बेकार है समंदर, प्यासे हमेशा प्यासे, बेकार है समंदर, प्यासे हमेशा
प्यासे लाखों सलाम पनघट लाखों सलाम पनघट दिल की लगी बुझाना लाखों सलाम पनघट दिल की लगी बुझाना परहाद पैस बुझ दे अपना है अब जमा बाहर निकल फिर क्या टपक पड़ा तू ये समझता है कि दुनिया में तेरे सिवा कोई गाने नहीं ले सकता ले सुन शांत शांत कविराज पहले ये तो बताइए कि आप में कविता कहां से उमड़ पड़ी अरे भाई दूल्हा के पास बैठने वाले को दुल्हन न सही तो दही बड़े तो जरूर ही मिलते हैं लो सुनो गाने की कोई जरूरत नहीं पढ़ के ही सुनाइए अच्छा भाई जैसी तुम्हारी मर्जी लो सुनो सुनाओ मैं हूँ कली ओह कली बहुत अच्छी क्या समझे मैं हूँ कली मतवाली लियाकत वाली नजाकत वाली मैं हूँ कली मतवाली लियाकत वाली नजाकत वाली सजन मेरा प्यारा गुलाब का फूल और बलम मेरा प्यारा गुलाब का फूल मैं हूँ कली मतवाली लियाकत वाली नजाकत वाली सजन मेरा प्यारा गुलाब का फूल और बलम मेरा प्यारा गुलाब का फूल गाना कहाँ सुना तुमने ये तो उसका गाना है उसका किसका अब बता दो सच सच आप में कविता करने का दिमाग होता तो मुझ पर अब तक हजारों ठुंडिया बन गई होती अरे भाई मेरे नाम ये लिफाफा आया उसमें ये गाना लिखा हुआ था पनघट के प्रीतम राधा साहब को चिट्ठी न थी चिट्ठी होती तो मुझे चाखनी थी देना देता अबे वो तिलचट्टे ये क्या चिपका लाया होगी कोई मक्खी तूने मुझे शिवपुर भेजकर कहीं का न रखा पनिहारी तो जाना अपनी पनिहारी के पास मेरी भी जान छूटे बाबूजी उससे मेरी शादी कर देना चाहते हैं तेरी शादी घबरा मत मेरी सीट रिजर्व्ड है मोहन मैं शिवपुर वालों को लिख देता हूँ कि मैं ये शादी नहीं कर सकता ये काम कभी रात को सोपा अच्छा भाई दोस्त का काम तो करना ही पड़ेगा लेकिन बाबूजी के लिए
मैं अपना गला नहीं घूंट सकता। मैं आपकी बहन से शादी नहीं करना चाहता। जिसको आपकी बहन ने पसंद किया है उसी से शादी कर दीजिए किरण कुमार। मुए शहर वाले, एक घर में दो राज, बाप लिखता है हाँ, बेटा लिखता है ना। मेरी समझ में पक्का है तुम्हारी समझ में? समझ, पहले नहीं कहा था राधा को ऊपर मत भेजो? तुम्हारी बहन ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया होगा। तो क्या हुआ, आजकल ऐसे ही चलता है। ये कॉलेज के लड़के हैं, तुम नहीं जानती, पहले शादी के लिए ना कहते हैं लेकिन वक्त आने पर एक क्या दस दस शादियां करने को तैयार हो जाते हैं। मैं अभी जाके किरण के बाप से इस बात का फैसला करता हूँ। जमुना प्रसाद चतुर्वेदी से जरा बच के चलें। खैर, राधा से तुम इस चिट्ठी का जिक्र ना करना, नाहक बेचारी का जी जलेगा। और सुनो, दूर का सफर है, कुछ पकौड़ियों को ये बना डालो ना। देख किरण, मैंने हजारों रुपए खर्च कर दिए और तू ना कहता है। बता, ये साड़ियां किसे पहनाऊं, ये जेवर किसे पहनाऊं? तुझे? लेकिन ये शादी मुझे। चुप, ये शादी होकर ही रहेगी। लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए। मारूंगा सर मैं। गंगा प्रसाद जी। ओहो, आइए आइए चतुर्वेदी जी। राम राम सुंदरी जी। कहिए क्या? पहले ये बताइए कि आपने क्या मजाक शुरू किया है। आप लिखते हैं कि शादी पक्की है, आपका लड़का लिखता है मैं शादी नहीं करूंगा। भाई जरा तुम ही इंसाफ करो, इन्होंने अपने लड़के को हमारे यहाँ भेजा, लड़के ने लड़की को पसंद किया, घर पसंद किया, हमारी बहन के साथ घूमा फिरा, सब तय हो गया। इन्होंने खुद चिट्ठी लिखी है, कहाँ गई? इन्होंने खुद चिट्ठी लिखी है कि शादी पक्की है, अब इनका लड़का किरण लिखता है कि मैं शादी नहीं करूंगा। किसी भले आदमी की आबरू ना चाहते हैं बाप बेटे हैं? अरे आप किससे बातें कर रहे हैं, यही तो है मेरा बेटा। कितने बेटे हैं आपके? एक ही। आप जरा गौर से देखिए। यही तो गया था आपके यहां? नहीं नहीं, ये नहीं। अरे तू नहीं गया था? बाबूजी, मेरा नाटक था ना, इसलिए। नाटक? नाटक ने तो सब सत्यानाश कर दिया है। बाबूजी, मैंने मोहन को भेज दिया। लो वाह भाई वाह, ऊपर से लड़का भी दूसरा भेज दिया। तो फिर उसमें हुआ क्या? आपको लड़का पसंद आया और लड़की को वर पसंद आया, आपने खत में भी यही लिखा है बस। तो फिर उसी से शादी कर दीजिए ना। शादी वर देख के नहीं की जाती, घर देख के की जाती है, समझे? खैर, ठोकर खाई मगर गिरे नहीं। मुझे शादी मंजूर है। मुझे ना मंजूर है, जिसको आपने पसंद किया है और जिससे आपकी बहन को प्रेम हो गया है उसी से शादी कर दीजिए। चुप रहो जी, कुंवारी लड़कियों में कहीं प्रेम होता है? चतुर्वेदी घराने की इज्जत लेते हो? तुम्हारे बाप ने हाथ काट रखे हैं कि शादी मंजूर है। मैं अभी अदालत में जाऊंगा। अदालत रुपए वसूल करा सकती है, दामाद नहीं। मैं देखता हूं तुम लोग कैसे मेरी आबरू पर पानी फेरते हो। तमाम शिवपुर जानता है कि गंगा प्रसाद त्रिवेदी के बेटे किरण से राधा की शादी होने वाली है। अब तुम रिश्ता तोड़ दोगे तो उसे बहेगा कौन? लोग समझेंगे कि लड़की में कोई ऐब है, कोई खोट होगा। मैं अभी अदालत में जाता हूं। आप सब्र कीजिए, मैं इसका नाटक दुरुस्त किए देता हूं। शादी होकर रहेगी, आप जाकर तैयारियां कीजिए। हाँ, याद रखिए, आप त्रिवेदी हैं तो यहाँ चतुर्वेदी हैं। Thank you.
राधा, तुम कब आए? अच्छा, समझ गई, मिल गया किशन कुंवर। राधा, मैं खुलासा करने आया हूँ। मैं जानती हूँ, ब्याह के बाद तुम मुझे पंगत पर ना आने दोगे, यही ना? फिर तुम कीचड़ में कैसे फंसोगे? राधा, राधा, मैं वापस जाता हूँ। क्या बात है? तुम जानती हो मेरा नाम क्या है? प्राणनाथ। दूसरा बताऊं? प्रीतम। तीसरा बताऊं? साजन। चौथा बताऊं? बस बस बस। राधा, तुम मुझे किरण समझ रही हो, लेकिन मैं किरण नहीं हूँ, और तुम्हारे भैया किरण से तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। फिर आप किस लिए आए थे? मैं तो किरण के बदले आया था, मैं उनका दोस्त हूँ। दोस्त? आपने ये मुझे पहले ही क्यों नहीं कहा? अच्छा फायदा उठाया आपने दोस्ती का। लेकिन मुझे कुछ मालूम ही न था। जाओ जाओ, मालूम न था। एक भोली भाली लड़की को बनाते शर्म न आई आपको? लेकिन राधा, सुनो तो। सुना सुना, अपना रास्ता लो। राधा, राधा, तुम मुझसे मजाक कर रही हो क्या? सच में तुम मुझे अपना नहीं समझती? राधा, तुम मेरे दिल की हालत नहीं जानती, मैं गैर नहीं हूँ, तुम्हारा हूँ। अच्छा, ऐसे अपने भी हैं जो अपना नाम तक नहीं बताते। मेरा नाम मोहन है। मोहन, 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 अच्छा चलेगा। मोहन और राधा, राधा और मोहन, ठीक है। क्यों, कैसी रही? ये कैसा मजाक, मैं तो ठंडा हो गया। ये आपका किरण सिरन कौन है? चिट्ठियों में बहू ढूंढ रहा है, उससे कहिए कि पोस्ट ऑफिस से पार्सल मिलता है, बहू नहीं। मेरी पनिहारी, क्या मैं सच समझूं कि उस दिन का कीचड़ मेरे लिए केसर हो गया? ये तो तुम जानो, लेकिन किरण कुमार लटक गए इसमें शक नहीं। बिल्कुल तो नहीं लटका है, उसने भी अपना ठिकाना कर रखा है। अच्छा,
घर चलो। हाँ घर तो आना ही पड़ेगा ये खुलासा करने के लिए, देखिए क्या होता है। राधा उस दिन ये मुसाफिर किनारे पर ही था मगर अब मजदार पहुंच गया। और तुम? मैं क्या? तुम मेरी जीवन नैया हो, तुम मेरी जीवन नैया हो, इस नैया पे तुम ही जीवैया हो, तुम मेरी जीवन नैया हो, इस नैया पे तुम ही जीवैया हो, हम हैं मुसाफिर तुम हो नैया, हम है मुसाफिर तुम हो नैया, दोनों का है साथ। नैया तुम्हारे हाथों में साजन, नैया तुम्हारे हाथों में साजन, हम नैया के हाथ, तुम्ही मेरी जीवन नैया हो, तुम्ही मेरी जीवन नैया हो, इस नैया पे तुम ही जीवैया हो, तुम मेरी जीवन नैया हो, इस नैया पे तुम ही जीवैया हो, हम हंसी थैया, हम हंसी थैया, नावित सजनी रखना हमारी लाज, चाहे डुबा दो चाहे तरा दो, चाहे डुबा दो चाहे तरा दो, नैया तुम्हारे हाथ, तुम्ही मेरे तारे लगैया हो, तुम्ही मेरे तारे लगैया हो, इस नैया के तुम ही जीवैया हो। हाथ से बल्ली छूट गई, हाथ से बल्ली छूट गई, आन फसे मजनार, ले चल ले चल ले चल नैया, ले चल ले चल ले चल नैया, सागर के उस पार, ना बस मेरा ना बस तेरा दोनों है मजनार, ना बस मेरा ना बस तेरा दोनों है मजधार, पार लगा दे नैया हमारी, पार लगा दे नैया हमारी, जग के खेवना, जग के खेवना।
कहाँ थी ननद रानी? कभी तो कब की आ गई? मैं तुम्हारे यहाँ दासी आई हूँ, चूल्हा चक्की सब मैं करो और तुम पनघट की सैर करती फिरो। भाभी तुम ये सब अपने दिल से करती हो, वरना चतुर्वेदी जी के घर में किस बात की कमी है? सुनो, मैं तो सच कहूंगी चाहे तुम्हें बुरा लगे, ये भले घर की बहू बेटियों के लक्षण नहीं है कि दिन भर गांव में भटकती फिरो। मालूम है तुम्हारे भैया शहर क्यों गए? क्यों गए हैं? फिर कहोगी मेरे पेट में बात रहती नहीं, जाने दो, तुम्हारे भैया मना कर गए। नहीं भाभी, बताओ ना। लो, जो लड़का तुम्हें देखने आया था ना, किरण कुमार, उनकी चिट्ठी आई है। वो तुमसे ब्याह करना नहीं चाहते। तो फिर घबराओ मत, तुम्हारे भैया सब कुछ ठीक कराएंगे। यमुना त्रिपाठी घर में है क्या? कौन है? ओ, तुम आ गए। भगवान, हमारी लाज रह गई। क्यों जी, तुमने ऐसी चिट्ठी क्यों लिखी? हमारी ननद से बढ़कर तुम्हें और कौन मिलने वाली थी? बात ये थी कि... चलो हटो, मेरा तो जी उड़ गया था। मैंने कहा अब क्या होगा, लेकिन बाप दादों का पुण्य प्रताप काम आया। आओ आओ। मैं खुलासा करने आया हूँ। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, बिंद गया सुमोती। अभी मोती बिंदा नहीं। त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, आप हमारे दामाद, एक बार नहीं हजार बार। लेकिन छोड़ो जी, बारात का इंतजाम करो। हाँ, क्या करूं, आप तो कुछ सुनते ही नहीं। अच्छा, राधा आपको सब बता देगी, चलता हूँ। वाह, ससुराल से कोई सूखा जाता है। राधा, ओ राधा, थाली में 5-7 लड्डू और गुलाब जामुन ले आता। नहीं नहीं, इस वक्त मुझे बिल्कुल भूख नहीं। आओ आओ, जरा मुंह तो मुझे करना ही पड़ेगा। दूसरी वक्त आऊंगा। वाह वाह, रणजी बस 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 भूल। चलता हूँ। जीते रहो, पंचमी का मुहूर्त पक्का रहा। वो कहते थे राधा सब कहेगी, अरे तू क्या कहेगी, मैंने सब बात पक्की कर ली है। तुझे पसंद है ना ननद रानी? हटो। देख चल जी, आप चतुर्वेदी जी को समझाइए, हम प्यासे मर जाएंगे। नसीब तुम्हारे। क्या बात है भाई? मोहन बाबू, हम प्यासे हैं, गांव के सब दूसरे कुएं सूख गए हैं और चतुर्वेदी जी अपने पंगड़ पर पानी नहीं भरने देते। देखिए, सारा शिवपुर प्यासा है। दीपचंद जी, आप तो चतुर्वेदी जी को समझा सकते हैं। मैं क्या समझाऊं, पनघट उनका है, उनके बाप का है। पनघट किसी के बाप का नहीं है, पनघट उसका है जो प्यासा है। शिवपुर वालों, जाओ सब लोग चतुर्वेदी के कुएं पर पानी भरो, तब तक मैं तुम्हारे लिए दूसरे पनघट का इंतजाम करता हूँ। शाबाश मोहन बाबू। पंडितायन, मुंह मीठा कराओ, काम फते। अरे लड्डू तो सामने ही हैं। तुमसे पहले यह फता करे बैठे हैं। क्या? पहले तुम बताओ कौन सा शेर मार कर लाए हो? किरण कुमार से ही राधा की शादी होगी पंचमी को। तुम तो उनके बाप से बात करके आए, यहाँ खुद दामाद से सब कुछ तय कर डाला। क्या बकती हो, किरण कुमार यहाँ कब आया? अभी अभी तुम उसे शहर में देख कर आया हूँ। किसी और को देखा होगा, वो तो अभी 10 मिनट पहले यहाँ थे। सब बात पक्की हो गई, पंचमी को शादी होगी। तुम्हारा सिर होगा, तुमने आज तक उसे देखा तक नहीं और बक रही हो।
देखा नहीं? होली से पहले भंग शुरू कर दी। माने दामाद को देखा नहीं तो उस दिन उन्हें खिलाया पिलाया किसने था, तुमने? अरे 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 अरे, उस दिन जो आया था तुम उसका जिक्र कर रही हो, वो साइकिल वाला? हाँ, वही तो दामाद है किरण कुमार। अरे राम 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 राम, वो यहाँ आया था? वो तो पक्का बदमाश है, किरण कुमार तो आज तक यहाँ आया ही नहीं। फिर कौन आया था? अरे वही साइकिल वाला, किरण कुमार का दोस्त। अरे अरे, बिचारी राधा तो उस पर जान दे रही है, अब क्या होगा? हाँ, तभी वो कह रहा था जिसको तुम्हारी बहन ने पसंद किया है उसी से शादी कर दो। राधा राधा, कहाँ है वो? सच सच बता, वो कौन था? वही अभी अभी भाभी ने जिनका मुंह मीठा कराया था। शर्म नहीं आती तुझे? चतुर्वेदी घराने में पैदा होकर एक बदमाश लफंगे के फेर में आ गई। इस बिचारी का भी क्या कसूर है? वो साइकिल वाला हम लोगों को भी चकमा दे गया, ये भी उस बदमाश को किरण कुमार समझ बैठी। तुम अपना काम करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। खैर हुआ सो हुआ, तुम्हारे भैया सब कुछ तय कराए हैं, पंचमी को किरण कुमार के साथ तुम्हारी शादी हो जाएगी। मैं उससे शादी नहीं करूंगी। क्यों? जो मुझसे शादी नहीं करना चाहता उसके गले मैं क्यों पड़ूं? किसने कहा वो शादी करना नहीं चाहते? तुम्हीं ने तो कहा था कि उसकी चिट्ठी आई है। लेकिन तुम्हारे भैया सब कुछ ठीक कराए हैं ना? भैया कुछ भी करें, लेकिन मैं तो उन्हीं के साथ शादी करूंगी जिनके साथ मेरा प्रेम है। प्रेम? 5 मिनट मिले और प्रेम भी हो गया? हमें आज 15-15 बरस बीत गए, कभी ये न जाना प्रेम क्या चीज है, क्या तक गया हमारा प्रेम के बिना। लो सुनो, तुम्हारी लाडली बहन उसी साइकिल वाले के साथ शादी करेगी, प्रेम सिंधु उछल रहा है। क्यों राधा, चतुर्वेदी घराने में आग लगाने को जन्म लिया है? एक राह चलता बदमाश चतुर्वेदी घराने में घोड़ी चलकर आएगा, हम उसके पांव धोएंगे। भैया, भले आदमी दूसरों को बदमाश नहीं कहते, वो बदमाश है तो शरीफ कौन है? याद नहीं उस दिन पानी के बारे में उन्होंने आपसे क्या कहा था? उन्हें कितनी हमदर्दी है गरीबों से। उसके बाप का क्या जाता है जुबानी जमा खर्च करने में? ढोंगी पाखंडी, गरीबों के हक में 2-4 मीठी बातें की और मिल गई सनत शराफत की, भलाई की। ऐसे गरीब पर तो गली गली मिलेंगे। आप जरा गाँव वालों से पूछिए वो उन्हें क्या समझते हैं। मालूम है वो हमारे गांव में कुआं बनाने के लिए नाटक करने वाले हैं। नाटक करने वाले हैं? किया किया नाटक, और अगर करेगा भी तो कोई ऐसा ही नाटक करेगा, पैसे हजम कर जाएगा, बस छुट्टी ही। चतुर्वेदी जी। अरे कौन है? ओह बिचन जी हैं। आया आया आया। चतुर्वेदी जी, आपके दामाद साहब तो तमाम शिवपुर को भड़का गए, कह गए कि चतुर्वेदी के कुएं पर शौक से पानी भरा करो, कुआं किसी एक के लिए नहीं हो सकता, वो कुदरत की मेहरबानी है, उस पर सबका हक है। चतुर्वेदी जी, गांव टूट पड़ा तो कुआं 2 दिन में सूख जाएगा, फिर हम लोग क्या पिएंगे? दीपचंद जी, अब वो मेरा दामाद वामाद नहीं है, वो तो कोई बदमाश निकला, उसे मेरे नाम पर उधार उधार देना नहीं। आप जाइए, मैं कुएं का सब बंदोबस्त करता हूँ। यानी मालिक, अपने यहाँ कितने लखैत हैं, सबको कुएं पर भेज दो, तुम भी वहीं रहो, गांव का एक भी आदमी पानी ना भरने पाए, जाओ। मालिक, ये अन्याय है, बाप दादों ने कुआं बनवाया तो गांव वालों की आशीष लीजिए, आप तो घुटनों चलते थे जब आपके पिता दुर्गा प्रसाद जी ने 56 के काल में ये कुआं बनवाया था। खामोश, जमुना प्रसाद चतुर्वेदी को ज्ञान देने चला है? नहीं मालिक, मुझसे ऐसा अधर्म नहीं होगा। नमक हराम, ऐन मौके पर दगा देता है, निकल जा मेरे यहां से, मैं देखता हूं गांव वाले तुझे कितनी रोटी देते हैं।
मालिक, रोटी नहीं मिलेगी तो पेट पर पत्थर रख लूंगा, लेकिन ऐसा अधर्म नहीं करूंगा। चला जा यहां से। अच्छा मालिक, मेरा हिसाब चुकता कर दीजिए। हिसाब? कैसा हिसाब? चल हट। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि वो चतुर्वेदी बड़ा बदमाश आदमी है, जो अदालत के जरिए दामाद हासिल करना चाहता है उसके घराने की लड़की क्या निहाल करेगी। बाबूजी, शादी होते ही वो सब के सब यहाँ अड्डा जमा लेंगे। अरे अब तो मैं भी पछताता हूँ, ऐसे पाजी को मैं अपना समधी नहीं बनाना चाहता, मगर क्या करूं, वो अदालत की धमकी दे रहा है। चल बे हीरो। नमस्ते चाचा जी। ले अपना पार संभाल। फिर नाटक? मोहन, आज इस घर में बिपता पड़ी। मुझे सब मालूम है, ये बिपता मैं झेल लूंगा। आप किरण की शादी ज्योति से कर दीजिए, आप तो जानते हैं घराना भी अच्छा है और लड़की भी किरण को पसंद है। एक दफा किरण की शादी ज्योति से हो गई, फिर भरे हुए घड़े को कौन भरने आता है। हाँ, ज्योति के बाप की तरफ से बात तो आई थी, लेकिन वो शिवपुर वाला कौवा मेरा पिंड छोड़े तब ना। इसकी फिक्र आप न कीजिए चाचा जी, मैं उससे निपट लूंगा। भाई, दोस्त का काम तो करना ही पड़ेगा। मैं सब जानता हूँ। और चाचा जी जरा सुनिए तो। चाचा जी, क्या है? देखिए, हम लोग शिवपुर में कुआं बनाने के लिए पनिहरी नाम का नाटक कर रहे हैं, आप कितनी टिकटें लेंगे? नाटक? अब नाटक बहुत हो चुका, हम नाटक वाटक नहीं देखते। लेकिन चाचा जी, आपको फ्री पास देंगे। कितने रुपए में होगा कुआं? कम से कम 2000। अच्छा, टिकटें बेच लो, फिर जितने घटेंगे मैं दे दूंगा। हाँ जी। किरण, मैंने पनघट का कर्ज अदा कर दिया, अब शिवपुर में कोई प्यासा न रहेगा। चुके हैं दिल को, हम खो चुके हैं दिल को, हम खो चुके हैं दिल को, दिल्ली की गलियों में हम ढूंढते दुश्मन को, हम ढूंढते दुश्मन को, दिल्ली की गली तिल के तिल को देख के। कातिल के तिल को देख के हम तिल मिला गए। जलवाद का दिया जो हमको जला गए, जलवाद बाल मरूप चले पनघट की पहचान।
1500 तो हो गए। अच्छा किरण, अब चाचा जी से बाकी के 500 रुपए लेके बंदा तो चला शिवपुर। वाह वाह, तुम भी अजीब आदमी हो। पनघट बनते बनते तो महीनों लगेंगे, और प्यास लगी है आज। हाँ जनाब, यूं तो वो पनघट है ही। मैंने शिवपुर वालों की तरफ से दरख्वास्त दी है कि कुआं सब लोगों का है, पानी सबको मिलना चाहिए। तू जरा दौड़ धूप करके मंजूर करवा लेना। भाई वाह, मेरा फर्ज मुझे बता रहा है। चलो मोहन भैया, हमारे नाटक तो तुम्हारे लिए वरदान हो गए। पनघट ने पनिहारी दे दी और पनिहारी देगी पालना। अजीब पहली जोड़ी तो तुम्हारी बनी है छोटे त्रिवेदी। हम लोग तो किसी के चादर है। जाना
वहां चले। मैं पानी भरूंगी, फिर कौन आ जाओ रोकने वाले। मैं राधा बहन के साथ आई हूँ। अरे चल। आने दो उसे। मालिक का हुक्म नहीं है। लेकिन मेरा हुक्म है। कजरी पानी भरेगी और इस सब लोग भी पानी भरेंगे। हमारी नौकरी चली जाएगी राधा बहन। क्या हुआ? हे भगवान, मैंने उम्र भर जिनके लिए खून का पानी किया, वही आज पानी के लिए मेरी बेटी का खून बहा रहे हैं। बाबा। मोहन बाबू, मोहन बाबू आ गए। आप तो हमारे लिए कुआं बनवाना चाहते हैं और ये चतुर्वेदी हमारा खून बहा रहे हैं, क्या बात है? मोहन बाबू आ गए, मोहन बाबू आ गए। क्या हुआ? मोहन बाबू, देखो पानी के पीछे मेरी मासूम बच्ची का क्या हाल किया है। गांव के तमाम आदमी, जानवर, बच्चे, बूढ़े सब प्यासे मरे जाते हैं और ये चतुर्वेदी कुएं पर पानी भरने देने के बजाय खून बहा रहा है। घबराओ मत, जमीन पर गिरा हुआ पानी भी सब्जी पैदा करता है, इसका खून बेकार नहीं जाएगा। शाबाश बहादुरो, खूब नमक हलाल किया। कहां है चतुर्वेदी? चतुर्वेदी जी, क्या है ये? आपका धर्म, आपकी दया। चतुर्वेदी जी बताइए, इस मासूम बच्चे का खून क्या आपके पंगट के पानी से पतला था जो इस तरह बहा दिया गया? मैं पूछता हूँ, सारा गांव पूछता है, आपने इस गरीब को पंगट पे जाने से क्यों रोका? आपको क्या हक था? क्या इसलिए कि उस पर आपके बुजुर्गों का नाम लिखा हुआ है? आप अपने बगीचे में फवारा लगाकर उसे अपना कह सकते हैं, लेकिन कुदरत के बनाए हुए कुएं को नहीं। खामोश, बंद कर अपनी बकवास। मैंने बहुत देखे तेरे जैसे बदमाश। इस गांव में तेरा क्या हक है जो लोगों को जमा करके लंबे लंबे लेक्चर झाड़ने आ गया? लड़की को जरा सी लग गई तो सबको जमा करके हमें डराना चाहता है। चतुर्वेदी जी, आप हमको ठुकराए और हम उफ भी करें तो आपके नाजुक कानों के पर्दे फटने लगते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके बदन में हमारे प्राण हैं, आपकी इमारतों में हमारी हड्डियां हैं, आपके बाग बगीचों में हमारा पसीना और आपकी रसोई में हमारा खून है। हम गरीब हैं, इसीलिए आप हमको इंसान नहीं समझते। आप अपने मरे हुए बुजुर्गों के नाम पर कौओं को हलवा पूरी और कुत्तों को दूध पिला सकते हैं, लेकिन इंसान को पानी नहीं दे सकते। अरे जा, कुआं हमारा है, क्या तू ये चाहता है कि हम ही प्यासे मरें? कल को हमारे यहाँ शादी ब्याह होगा, शहर से नामालूम कितने लोग गांव में आएंगे, तो उनको हम पानी के बदले तेरा खून पिलाएंगे। हम किसी भी हालत में किसी को अपने कुएं पर पानी नहीं भरने देंगे। पत्थर पे नाम लिख दिया तो कुआं आपका हो गया? कुआं सारे गांव का है, उस पर गांव के बच्चे बच्चे का हक है। सरकार ने मुफ्त में जमीन दी है और आपके बुजुर्गों ने कभी यह दावा नहीं किया कि कुआं सिर्फ आपका ही रहे, ये तमाम शिवपुर का है और सरकारी दस्तावेज इसका सबूत है। सरकारी सबूत का जोर है तो वहां जा, यहाँ क्यों रोने आया है? हम रोने नहीं आए, आज तक हम रोते थे, आप हंसते थे, अब हमने भी जबान खोली है, आंखें खोली है। आप जीने वालों को दो हाथ कपड़े के लिए इनकार कर सकते हैं, लेकिन मरने वालों को कफन के लिए इनकार नहीं कर सकते। चतुर्वेदी जी, जमाने का बदला हुआ रंग देखिए और झुक जाइए। क्षमा परवाने को खा जाती है, मगर हवा क्षमा को भी खा जाती है, और ये हवा नहीं, आंधी है, तूफान है। चतुर्वेदी जी, कान खोल कर सुन लीजिए, हम लोग कुएं पर पानी भरेंगे और जरूर भरेंगे। देखता हूं कौन कौन कफन लपेट कर चतुर्वेदी के सामने आता है।
चलो भाइयों कुआं पर चलो। तमाम सिपुर का कुआं है, भरो पानी। हटो, किसी ने कुएं पर पांव रखा तो जान ले लूंगा। ब्राह्मण अपनी जान की खैर मना, जो इस दगती हुई आग में अपने आप को हुमने आया है, क्या तुझे पानी अपने खून से भी प्यारा है? की कसम मेरे टुकड़े टुकड़े का दाल मगर राधा को बचा। मैं पापी हूं, मैं पिशाच हूं। भाइयों आज से ये पंगर तुम्हारा, मेरी तमाम दौलत तुम्हारी, मैं तुम्हारा। चाहो तो मुझे सारे ब्राह्मण की बोटी बोटी नोच डालो मगर राधा को बचा लो। राधा 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 भैया इन सबको पानी भरने दो। तुम्हारा भैया मर गया, मैं तो इन सबका गुलाम हूं। पनघट अब शिवपुर वालों का है। जमुना प्रसाद चतुर्वेदी जी के नसीब जाग गए। मोहन भैया मैं गलती पर था, मुझे माफ कर दो। ओ किरण तुम आ गए भैया, चलो अच्छा हुआ। अरे मोहन ये क्या हो गया है? ये बाद में बताऊंगा। क्या फरमान लाए? हाँ हाँ चतुर्वेदी जी शिवपुर के पंगड़ पर सबका हक है, ये लीजिए सरकारी फरमान। यहाँ ईश्वर का फरमान आ चुका है छोटे त्रिवेदी,
ओ, तो सोने वाला जाग गया, तो फिर दान धर्म शुरू हो जाए। राधा मोहन की जोड़ी जुग जुग जिए। रानी ये नया प्रेम का पनघट है हमारा, रानी ये नया प्रेम का पनघट है हमारा। अब स्वर्ग बनाता है संसार हमारा, अब स्वर्ग बनाता है संसार हमारा। प्यासे की बुझाता तू सदा प्यास चला चल, प्यासे की बुझाता तू सदा प्यास चला चल। दूर चला चल तू कहीं दूर चला चल, मतलब की दुनिया से कहीं दूर चला चल, प्यार की दुनिया से कहीं दूर चला चल। यहाँ प्यार हो इकरार हो इनकार नहीं हो, जीवन में हमारे कभी तकरार नहीं हो। घर घर में सुना प्रेम की झनकार सुना चल, घर घर में सुना प्रेम की झनकार सुना चल। दूर चला चल प्रेम के बंधन के बना हार चला चल, तो बना हार चला चल, तो बना हार चला चल। दूर चला चल दूर चला चल तो कहीं दूर चला चल, मतलब दुनिया से कहीं दूर चला चल, प्यार की दुनिया से कहीं दूर चला चल।